गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे IPM का जो आपका कोर्स है, यानी सेकेंड ईयर का, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे IPM के टूल्स, ठीक है। IPM के टूल्स में हमने कल्चरल पढ़ा, उसके बाद मैकेनिकल पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, है ना, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस पढ़ी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको अभी हमने पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, ठीक है। क्या है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, या इसको बोलते हैं लीगल कंट्रोल या फिर रेगुलेटरी कंट्रोल, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है नाम का, यानी कि क्या है, जिसमें पूरे रूल रेगुलेशन होंगे, है ना। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, वैधानिक नियंत्रण। अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वैधानिक नियंत्रण, है ना, यानी कि जिसके अंदर पूरे रूल रेगुलेशन हो गए। और इसके अंदर जो 100% जो रोल रहता है वो किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रहता है। इसके अंदर होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि वैधानिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें करना क्या होता है, कोई भी जो पेस्ट है उसको आगे फैलने से रोकना है, ठीक है। अब आगे फैलने से कैसे, मान लीजिए किसी दूसरे देश की बात करें, सपोज दैट हमें USA से कुछ लेके आना है, ठीक है, इंपोर्ट करना है USA से कोई प्लांट मटेरियल, हो सकता है वो प्लांट्स हो, सीड हो, कुछ भी हो सकता है, फ्रूट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले जब स्टार्टिंग में तो इंपोर्ट होता था सीधा ही बिना किसी रुकावट के, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे पेस्ट या ऐसे डिजीजेज आने लगे जो कि क्या है, दूसरे देश में तो थे, मान लीजिए USA में थे और अपने यहाँ नहीं थे, लेकिन उन जो फूड मटेरियल हम लेके आ रहे हैं उसके साथ वो आ गए और यहाँ पे आके उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया, या फिर बात करें बहुत ज़्यादा हमें लॉस करने लगे। तो इसके लिए क्या है, फिर रूल रेगुलेशन बनाएगी कि जो भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी वो प्रॉपर थ्रू चैनल के, और उसकी अच्छी तरीके से पहले जांच होगी, यानी कि वो जो प्लांट मटेरियल है उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा, अगर वो डिजीज से ग्रसित है या फिर इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है, तो क्या है, उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे या फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए क्या है, जितने भी जो बंदरगाह हैं या फिर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे क्या है माल का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे क्या है, इसकी चेकिंग की जाती है। और ये क्या होता है, काम जो है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होता है। इसके लिए साइंटिस्ट रहते हैं वहाँ पे और ऑफिस बनाए जाते हैं जो क्या है अच्छी तरीके से उसकी चेकिंग करते हैं, और उसके बाद ही उसको क्या है हम कंट्री के अंदर लेके आते हैं या फिर बाहर जाते हैं। अब ये हो सकता है दो कंट्री के बीच में हो, या फिर हो सकता है दो स्टेट के हो, यानी कि इंडिया के अंदर ये हम बात करें तो विद इन स्टेट भी ये लागू होता है। मान लीजिए जहाँ पे अगर बात करें तो बनाना की खेती की बात करें, तो बनाना की खेती साउथ में जहाँ होती है लेकिन यहाँ नॉर्थ में नहीं होती, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ मान लीजिए जो पेस्ट है, ठीक है, वहाँ जो पेस्ट है वो एक फिक्स लिमिटेड एरिया में है, ठीक है। अब उस लिमिटेड एरिया से उसको बाहर जाने से रोकने के लिए क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो स्थान है, उस विशेष जो जगह विशेष है, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि इसके रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि ये जो है इस क्रॉप के सीड जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर क्या है इनको कहीं हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं वैधानिक नियंत्रण। यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, 100% जो रोल रहता है वो किसका रहता है, गवर्नमेंट का। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें होता क्या है, एक एक चीज़ करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए, प्रिवेंटिंग द एंट्री, ठीक है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट इन ए कंट्री, ठीक है, और एरिया एंड इरेडिकेशन और स्प्रेशन ऑफ द पेस्ट इस्टेब्लिश्ड इन ए लिमिटेड एरिया थ्रू कंपल्सरी लेजिस्लेशन और इनेक्टमेंट। अब इसका हिंदी बता देता हूँ मैं आपको, तो क्या होता है प्रिवेंटिंग का मतलब क्या होता है, रोकना, द एंट्री यानी कि एंट्री को रोकना, कोई भी चीज़ जो आ रही है उसकी एंट्री को रोकना, एंड इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापित करना ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट, यानी कि जो भी फॉरेन दूसरी कंट्री से आने वाले प्लांट है या फिर पेस्ट हैं, ठीक है, उनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट, उनको स्थापित होने से रोकना, उनकी एंट्री को रोकना, ठीक है, और एरिया या किसी एरिया विशेष की, एंड इरेडिकेशन। अब इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन, है ना, ये तो पढ़ा होगा सबने उन्मूलन। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन या स्प्रेशन, यानी कि उसको दबाना, वहीं पे रोकना एक जगह विशेष पे, ठीक है, दबाव बनाना या फिर बात करें दबाना इसको, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि या तो उसका अनुमूलन करना या फिर उसको क्या है
दबाना उसी जगह विशेष पर, यानी दबाने से मतलब क्या है, उसी एक जगह विशेष पर हम क्या है उसको कंस्ट्रक्ट कर दें, एक जगह विशेष पे उसको बनाए रखें। तो ये हो गया कि स्प्रेशन ऑफ द पेस्ट, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन ए लिमिटेड एरिया। अब क्या है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो इस्टेब्लिश हो चुका है, हम ये चाहें कि वो वहीं रहे, तो इसके लिए क्या है उसको प्रिवेंट करना थ्रू कंपल्सरी लेजिस्लेशन और इनेक्टमेंट। तो क्या है कंपल्सरी का मतलब क्या है, जरूरी, जो क्या है जरूरी नियमों और जो भी कानून जो बने गए हैं उनके आधार पे, यानी कि प्रॉपर कानून और नियमों के तहत किसी भी पेस्ट, फॉरेन पेस्ट या फिर प्लांट मटेरियल जो भी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना, या किसी जगह विशेष तक उसको क्या है हमें संक्षिप्त करके रखना, या बात करें उस जगह विशेष तक उसको क्या है हम इस तरीके से क्या है कंट्रोल करके रखें कि वो उस जगह विशेष से बाहर ना जा पाए, इसको क्या बोलते हैं वैधानिक नियंत्रण, ठीक है। प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट्स इन ए कंट्री और एरिया एंड इरेडिकेशन और स्प्रेशन ऑफ द पेस्ट एस्टेब्लिश्ड इन ए लिमिटेड एरिया थ्रू प्रॉपर क्या है जो भी लेजिस्लेटिव और इनेक्टमेंट है, ठीक है, कंपल्सरी लेजिस्लेशन या फिर इनेक्टमेंट है, तो इनके थ्रू क्या है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, समझ में आ गया क्या करना है, किसी भी पेस्ट को नई जगह पे आने से रोकना, उसके लिए प्रॉपर जो कानून बनाए गए हैं उनके थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब देखिए कि इसके लिए क्या हुआ था स्टार्टिंग में, क्या हुआ, ये क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि कुछ क्या है इंडिया में कुछ पेस्ट एक्सीडेंटली आ गए, यानी कि पहले नहीं थे और उनका जो आगमन हुआ वो बाहर देशों से हुआ। अब वो कौन कौन से हैं इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये क्या है एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया बात करें तो एक तो है पिंक बॉलवर्म, कॉटन का जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है पिंक बॉलवर्म, पेक्टिनोफ्लोरा गोसिपेला। तो ये क्या अपने इंडिया में नहीं था, ये बाहर से यूएसए वगैरह कंट्री जो है उनसे इंपोर्ट जो मटेरियल हमने किया था कॉटन सीड वगैरह उसके साथ ये सीड के अंदर आई थी, ठीक है, और यहाँ पर आके अब ये क्या है कॉटन का एक मेजर पेस्ट माना जाता है। फिर बात करें कॉटन क्वेश्चन स्केल जो क्या है आइसीरिया परचेसी, ये क्या है अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या है कॉटनी क्वेश्चन स्केल पेपर में बहुत बार ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि ये कौन सी क्रॉप का पेस्ट है, तो ध्यान रखना ये कॉटन का नहीं है, ये क्या है जो सिट्रस क्रॉप है नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनका इम्पोर्टेंट पेस्ट है, ठीक है, कॉटन क्वेश्चन स्केल बोल देते हैं या फिर इसको कॉटनी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है इम्पोर्ट होके आया था। अब या फिर क्या है वुली एपिड जो एप्पल का वुली एपिड है एफएलएनएस माली, ये भी क्या है जो इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल था उसके साथ आ गया। इसके अलावा और भी है जैसे सेंट जॉन स्केल है एप्पल का, ठीक है, क्वाड्रस पीडियोटस परनीसियोसस, इसके अलावा पोटेटो ट्यूबर मोथ है, ठीक है, ग्नोरिमोस्किमा ओपरक्यूलेला, या फिर बात करें गोल्डन सिस्ट निमेटोड जो कि क्या है ग्रीन हाउस में लगा हुआ है, या फिर बात करें जो कुकुरबिटेसिस क्रॉप होती है उनके अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा क्या है ये पोटेटो में, तो क्या है सिस्ट निमेटोड ऑफ पोटेटो या फिर गोल्डन निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचिनेंसिस भी स्पीसीज है इसकी, और स्पीसीज और भी बहुत ज़्यादा है। फिर बात करें अफेरिनिकल जो अफेरिकन स्नेल है, ठीक है, एकेटिना फ्यूलिका, इसके अलावा सर्वबुल साइलिड जो है, हेट्रोस्पेला क्यूबेना या बंजीटो वो बनाना डिजीज जो है वो हो गया, या फिर क्या है स्पाइनलिंग वाइट फ्लाई जो है एलेरोडिकस डिस्पेरस, ये डिस्पेरस ये क्या है सारे जो पेस्ट है ये क्या है इंपोर्ट हो गया है, यानी कि इंडिया में पहले नहीं थे और एक्सीडेंटली क्या है हमने जो भी प्लांट मटेरियल बाहर से मंगवाया या सीड्स को इंपोर्ट किया उसके साथ ये इंडिया में आ गए, ठीक है। अब कुछ जो है हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है ये पेस्ट दिए हुए हैं यानी कि फॉरेन पेस्ट फ्रॉम विच इंडिया इज फ्री, यानी कि कुछ ऐसे फॉरेन पेस्ट जिनसे इंडिया अभी तक बची हुई है, या फिर बात करें जो इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं है लेकिन जहाँ है वहाँ पे क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर बात करें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें तो ये क्या है मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई है फ्रूट के अंदर लगती है, ठीक है, सेरेटिटिस कैपिटाटा ये इंडिया के अंदर नहीं है, या फिर बात करें ग्रेप वाइन अंगूर का जो फाइलोक्सेरा है ये भी क्या है इंडिया के अंदर नहीं है अभी फॉरेन पेस्ट है, या फिर बात करें कॉटन बॉल वीवल हो गया एंथोनोमस ग्रैंडिस या फिर कॉडलिंग मोथ ऑफ एप्पल, एप्पल में एक मोथ लगता है कॉडलिंग मोथ, ठीक है, लेस्पर्सिया और पोमिनेला,
लेस्पर्सिया पर्मेनेला, ये क्या है इनके साइंटिफिक नेम। तो ये जो पेस्ट हैं इनसे क्या है इंडिया अभी तक बची हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेस्ट है, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, मेजर पेस्ट है, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है। और इसी रीज़न से नहीं है क्योंकि जो भी हम ये जितने भी प्लांट मटेरियल हम इस क्रॉप से रिलेटेड बाहर से मंगवाते हैं तो उनकी क्या है प्रॉपर स्कैनिंग होती है, उनकी प्रॉपर जांच होती है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी क्या है मिले कि नहीं ये साफ़ नहीं है, या बात करें शुद्ध नहीं है, इसके अंदर थोड़ा बहुत भी इन्फेस्टेशन है, तो उसको क्या है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके लिए क्या है पहले जैसे मैंने बताया था गोल्डन सिस्ट नेमेटोड है, वो है उसके लिए क्या है बहुत सारे जो है पोटैटोज़ की जो इंपोर्ट हुई थी उनको क्या है समुद्र में बहा दिया गया वहीं पे। उसका रीज़न ये था कि वो इन्फेस्टेड थे, अगर उनको कंट्री के अंदर लेके आते तो उससे क्या होता आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए क्या किया जाता है इनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर बात करेंगे क्वारंटाइन की, ठीक है। अब क्वारंटाइन सबको पता है अभी नॉर्मली क्या है, अगर बात करें कोरोना जो चल रहा है इसके लिए क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्वारंटाइन हो गया या फिर आइसोलेशन जो वर्ड है ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है संगरोध, क्वारंटाइन को हिंदी में बोलते हैं संगरोध, ठीक है। प्लांट क्वारंटाइन क्या हो जाएगा पादप संगरोध, पादप संगरोध है ना। इसमें क्या होता है सेम चीज़ है जैसे लेजिस्लेशन कंट्रोल है उसी का एक पार्ट है, इसमें क्या किया जाता है इनको फैलने से रोका जाता है। अब क्वारंटाइन हो गया, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है यानी किसी चीज़ को अलग रखना, अगर कोरोना की बात करें ऐसे कहा जाता है ना उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, इसका मतलब क्या है उसको लिमिटेड कर दिया गया कि आप इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, बस यही क्वारंटाइन है। आइसोलेशन का मतलब वैसे ही अकेला होता है, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को हम अकेला जब रखते हैं उसको क्या बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। तो क्या किया जाता है क्वारंटाइन में, आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन जो भी है उसको फैलने से रोका जाता है, उसको क्या बोलते हैं क्वारंटाइन, ठीक है। अब क्वारंटाइन है इसके अंदर हम बात करेंगे प्लांट क्वारंटाइन की, तो प्लांट क्वारंटाइन के अंदर क्या हो जाएगा किसी भी प्लांट मटेरियल को विद इन कंट्री, ठीक है, यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच, दो देशों के बीच, ठीक है, या फिर बात करें बिटवीन कंट्रीज यानी कि दो देशों के बीच, या फिर विद इन कंट्री यानी कि कंट्री के अंदर ही बिटवीन टू स्टेट्स दो राज्यों के बीच में भी अगर हम क्या किसी प्लांट मटेरियल को फैलने से रोकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन। तो देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, लीगल रिस्ट्रिक्शन, लीगल का मतलब तो यानी कि थ्रू प्रॉपर रूल रेगुलेशन जो होगा, लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि जो भी मूवमेंट हो रही है किसकी प्लांट्स की, ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल्स बिटवीन कंट्रीज एंड बिटवीन स्टेट विद इन द कंट्री यानी कि दो देशों के बीच, या फिर क्या है एक ही देश के दो राज्यों के बीच, यानी एक ही देश के अंदर बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके अंदर इतने सारे राज्य हैं, तो इन राज्यों के बीच में आपस में जो प्लांट मटेरियल का क्या है जो आदान प्रदान होता है या फिर बात करें जो मूवमेंट होती है प्लांट्स की उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल बिटवीन कंट्रीज यानी कि दो देशों के बीच एंड बिटवीन स्टेट्स राज्यों के बीच विद इन ए कंट्री एक ही कंट्री के अंदर राज्यों के बीच, टू प्रिवेंट और लिमिट इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन एरिया वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट, यानी समझ में आ गया यानी कि क्या है इन द कंट्री टू प्रिवेंट उसको रोकने के लिए, या फिर लिमिटेड इंट्रोडक्शन यानी कि बहुत कम जो है उसको फैलने देना या फिर उसको कंट्रोल करना, एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट, ठीक है, पेस्ट का या फिर डिजीज का कीट या रोग का, ठीक है, एक लिमिटेड इंट्रोडक्शन होने देना तो उसको क्या बोला जाता है उसको प्रिवेंट करना, इसको क्या बोलते हैं हम प्लांट क्वारंटाइन इन एरिया वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट यानी कि ऐसे स्थान पर जहाँ वो पहले से नहीं है। दे डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है जहाँ वो पहले से नहीं है, यानी कहने का मतलब कि लीगल रिस्ट्रिक्शन करना है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स मटेरियल के बीच में। अब वो क्या हो सकता है बिटवीन कंट्रीज हो सकता है या फिर बिटवीन स्टेट हो सकता है विद इन ए कंट्री, ठीक है, उसको रोकना अब उसके थ्रू क्या है या फिर उसको लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन करना उसको, ठीक है, लिमिटेड इंट्रोडक्शन देना उसको फैलने देना। अब वो प्लांट मटेरियल क्या है हो सकता है वो पेस्ट के लिए कर रहे हों या फिर डिजीज़ के लिए कर रहे हों, ठीक है, ऐसे स्थान पे जहाँ वो पहले से नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन बोलते हैं।
तो ये हो गया प्लांट क्वारंटाइन यानी कि पादप संग्रोध क्या है। अब हम बात करेंगे पेस्ट लेजिस्लेशन यानी कि इसके लिए क्या समय समय पर कुछ कानून बनाए गए थे अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है कंट्रीज़ के बीच में, तो वो क्या क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट है 1905 में यानी कि 1905 के अंदर क्या हुआ था, एक एक्ट बना था फेडरल इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है ना फीपा, फेडरल इंसेक्ट पेस्ट एक्ट बना था फीपा। ये क्या है फर्स्ट क्वारंटाइन था, फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट अगेंस्ट जो एप्पल का सेंजोल स्केल इंसेक्ट है इसके खिलाफ फर्स्ट टाइम जो क्वारंटाइन अगर बात करें जो एक्ट बना था उसको क्या बोलते हैं फेडरल इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। अब बात करेंगे 1912 के अंदर क्या हुआ था, यूएस प्लांट क्वारंटाइन एक्ट बना था यूएस के अंदर ठीक है। फिर 1914 में यानी 1914 में ये इम्पोर्टेंट अभी इसको याद कर लेना एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा डिपा इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्या होती है या फिर पूछ सकते हैं ये कब लागू हुआ था। तो ये क्या है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डिपा की फुल फॉर्म क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के अंदर लागू हुआ था इंडिया में और इसको लागू किया था जो DPPQS है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये भी बात करेंगे हम आगे ठीक है। तो ये हो गया डिपा 1914 में ये भी एक्ट बना था। इसके बाद 1919 में मद्रास एग्रीकल्चरल पेस्ट एंड डिजीज एक्ट बना था। इसके बाद 1968 में द इंसेक्टिसाइड एक्ट बना था, इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर क्या है 1968 में बना था और ये इनेक्ट हुआ था यानी कि लागू हुआ था 1971 में 1971 में ये लागू हुआ था। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी केमिकल है, इंसेक्टिसाइडल का मतलब क्या हो गया सीधी सी बात है कि इंसेक्टिसाइड्स की बात हो रही है केमिकल्स की बात हो रही है, तो इसमें ये प्रिवेंशन किया गया या बात करें ये नियम बनाया गया कि एक तो हर कोई क्या है उसका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, अब ऐसे तो नहीं है कि हर कोई बनाएगा जो केमिकल्स है, तो इसके लिए क्या है कुछ इन्होंने क्या किया फॉर्म रखा या फिर बात करें इसका प्रॉपर क्या है इन्होंने रखा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक थ्रू प्रॉपर चैनल की, उसकी कुछ फीस होती है। उसके बाद क्या है जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे प्लस क्या है वो ये देखेंगे कि ये कितना हार्मफुल है ह्यूमन बींग के लिए सेफ है या नहीं इन्वायरमेंट के लिए सेफ है या नहीं, तो ये सब चीज़ें क्या है ध्यान रख के उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1968 में द इंसेक्टिसाइड एक्ट। ये आपके सिलेबस में है इसको नेक्स्ट किसी लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो ध्यान रखना 1971 में लागू हुआ था। अब बात करेंगे नेक्स्ट है डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्वारंटाइन यानी कि क्वारंटाइन जो है उसकी क्लासेस क्या क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं जनरल सी दो क्लासेस होती है वो क्या, एक तो हो सकता है कि वो फॉरेन क्वारंटाइन हो। अब फॉरेन क्वारंटाइन का मतलब क्या हो गया विदेशी, अब विदेशी का मतलब क्या है यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच में हम विदेश से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं या फिर भेज रहे हैं तो उसके लिए जो नियंत्रण किए जाते हैं या फिर जो कानून बनाए गए हैं उसको क्या बोल देते हैं फॉरेन क्वारंटाइन ठीक है। और एक होगा डोमेस्टिक क्वारंटाइन, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है घरेलू, अब यहाँ घरेलू का मतलब क्या है विद इन कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर अगर स्टेट में या फिर एक स्टेट के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हम अगर किसी प्लांट को रोकते हैं या उसकी जाँच वगैरह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। तो ये दो क्लासेस हैं, फर्स्ट बात करेंगे फॉरेन क्वारंटाइन की ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट डिजीज एंड वीड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, समझ में आ गया यानी कि क्या है लेजिस्लेशन किस लिए किया जाता है टू प्रिवेंट, लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट या डिजीज ऑफ वीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज है ना, यानी कि विदेशी देश जो विदेश जो है या फिर दूसरे देशों से है वहाँ से क्या है प्रिवेंट करना इंट्रोडक्शन का किसी नए पेस्ट को आने से या फिर डिजीज़ को आने से रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं फॉरेन क्वारंटाइन। तो फॉरेन क्वारंटाइन के अंदर अब क्या क्या हो सकता है क्या किया जाता है, तो बात करें सबसे पहले देखिए प्लांट क्वारंटाइन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी कि जाँच की जाती है एंड ट्रीटमेंट्स अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ही ऑन द स्पॉट कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं यानी कि फ्यूमिगेशन हो गया उनका धूम्रण हो गया या फिर बात करें उनकी वॉशिंग हो गई ये सब भी किया जाता है। ट्रीटमेंट्स एट सी पोर्ट्स यानी कि समुद्र पे जितने भी बीच हैं जहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं माल दूसरे देशों के साथ, अब वो क्या क्या है एक तो मुंबई कोलकाता कोची
चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ये जो हैं इतने सारे समुद्र बीच हैं इन पे क्या है ये पादप संगरोध के क्या है बनाए गए हैं, ऑफिस बनाए गए हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ पे, साइंटिस्ट रहते हैं जो ये जांच करते हैं कि जो भी मटेरियल आ रहा है या फिर जा रहा है वो प्योर है या नहीं, कोई इंसेक्ट जो पेस्ट है उससे ग्रसित तो नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखा जाता है। फिर बात करें एयरपोर्ट्स की, कुछ एयरपोर्ट्स हैं जैसे अमृतसर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, तो ये एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे भी क्या है जांच की जाती है अगर कोई मटेरियल जो है प्लांट मटेरियल है वो थ्रू एयरलाइंस क्या है यहाँ से दूसरे कंट्रीज में या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आ रहा है तो उसकी भी जांच की जाती है। फिर है अब और क्या हो सकता है इसमें क्या ध्यान रखा गया है कि इम्पोर्टेड बाई पोस्ट पार्सल, यानी कि जो पोस्ट पार्सल के थ्रू अगर कोई प्लांट आ रहा है तो उस पर रोक लगाई गई है, ठीक है, इम्पोर्टेड बाई पोस्ट पार्सल प्रोहिबिटेड, यानी कि मना है उसको लेके आना, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बाई साइंटिस्ट, इम्पोर्ट ऑफ प्लांट मटेरियल प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि साइंटिस्ट को छोड़ के, ठीक है, वैज्ञानिक जो है उनको छोड़ के बाकी नॉर्मल क्या है अगर बात करें एक आम आदमी क्या है पार्सल के थ्रू भी क्या है कोई भी प्लांट मटेरियल या सीड वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर प्रोहिबिटेड यानी कि इसके ऊपर रोक लगाई गई है, तो ये भी है। इसके बाद और क्या है इंपोर्ट परमिट्स, ठीक है, इंपोर्ट परमिट्स रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, अब ये क्या है यानी कि इंपोर्ट अगर हम करना चाहते हैं उसकी परमिशन चाहिए तो क्या है रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टेशन, यानी कि आयात करने के लिए हमें क्या है उसकी परमिशन चाहिए, ठीक है, ऑफ प्लांट मटेरियल की, तो इसके लिए क्या किया जाता है एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आता है, क्या है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि जिस कंट्री से मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊँ आपको, हमें क्या है इंडिया से कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इंडिया के जो भी साइंटिस्ट हैं वो उसको एक्सपोर्ट करने से पहले क्या करेंगे उसकी जांच करेंगे कि ये जो प्लांट मटेरियल है इसके अंदर किसी भी प्रकार का पेस्ट नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, इन सब की जांच करके वो एक सर्टिफिकेट देता है, उस प्लांट मटेरियल के साथ उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसके ऊपर जो भी एंटोमोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं वहाँ के वो क्या है उसको वेरीफाई करके और एक सर्टिफिकेट देते हैं कि यहाँ से ये जो चीज़ गई है इसके अंदर कोई भी पेस्ट नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या है इसको बोलते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है इसको बोलते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो ये जो कंट्री ओरिजिन कंट्री है जहाँ पे उस चीज़ को ग्रो किया जा रहा है उगाया जा रहा है उस कंट्री को ये क्या है प्रदान करना पड़ता है, ये उसके साथ देना पड़ता है जो चीज़ हम भेजना चाह रहे हैं उसके साथ, ठीक है, ऐसा ही दूसरे देशों के लिए अगर वो भी हमें कुछ चीज़ भेजेंगे हम लेके आएंगे तो उसके साथ पहले हम क्या करेंगे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चेक करेंगे कि क्या वो है या नहीं है और उसके अंदर क्या लिखा गया है, ये हो गया। अब देखिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है, इसको पूछ सकते हैं एग्जांपल में डेफिनेशन आ सकती है, तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या है इज इशूड बाय क्या है किसके थ्रू इशू किया जाता है किसके द्वारा इशूड बाय स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी कीट विज्ञानी या फिर क्या है रोग वैज्ञानिक जो है ना वो क्या करते हैं ये बनाते हैं इशूड बाय द इफेक्ट, ठीक है, द इफेक्ट दैट द प्लांट और सीड मटेरियल इज़ फ्री फ्रॉम एनी पेस्ट और डिजीज, ये इस चीज़ को वेरीफाई करके देते हैं कि ये जो प्लांट मटेरियल है ये भी किसी भी पेस्ट से या फिर बात करें किसी भी डिजीज से ग्रसित नहीं है, इससे फ्री है, ठीक है, ये चीज़ बना के देते हैं, इसको क्या बोलते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अब ये क्या 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 इम्पोर्टेंट अगर बात करें उसके अंदर क्या क्या लागू किए जाते हैं या क्या क्या चीज़ें ऑन द स्पॉट हमें क्या है कई बार क्या करना पड़ता है उसको ट्रीट भी करना पड़ता है, तो वो कैसे, अब फर्स्ट बात करें फ्यूमिगेशन, तो यानी कि फ्यूमिगेशन करना पड़ सकता है धूम्रण जिसको बोलते हैं गैस के द्वारा, तो फ्यूमिगेशन ऑफ इम्पोर्टेड प्लांट मटेरियल बेस्ड ऑन नीड, अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या करते हैं फ्यूमिगेशन करते हैं, वो चाहे सी पोर्ट हो या फिर जो भी एयरपोर्ट हो वहाँ पे। फिर है टेकिंग केयर ऑफ पेस्ट ऑफ क्वारंटाइन कंसर्न इन इंडिया, अब क्या है ऐसे पेस्ट जिनको क्वारंटाइन किया गया है उसका ध्यान रखा जाता है कि वो पेस्ट जो है किसी प्लांट मटेरियल में नहीं लगा हो, ठीक है। अब फिर है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ, अब कुछ चीज़ें हैं जिनको इम्पोर्ट करने पर रोक लगी हुई है कि हम इनको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, अब वो क्या क्या है
एक तो है सुगर केन सेट्स, यानी कि हम सुगर केन के जो बीज है या सुगर केन के सेट जो है, सेट्स हैं, उनको क्या है बाहर से नहीं मंगवा सकते। उसका रीज़न क्या है, टू प्रिवेंट वेस्ट इंडीज सुगर वीविल। वेस्ट इंडीज़ का सुगर, वेस्ट इंडीज सुगर वीविल एक पेस्ट है, इसकी रोकने के लिए, यानी कि इसका नुकसान नहीं हो जाए या इसका इम्पोर्टेशन नहीं हो जाए, इसके लिए हम सुगर केन के सेट्स बाहर से नहीं मंगवा सकते। इसके अलावा क्या है, कॉफ़ी सीड्स, कॉफ़ी के सीड्स नहीं मंगवा सकते। किस लिए, टू प्रिवेंट कॉफ़ी बेरी बोरर। कॉफ़ी बेरी बोरर पेस्ट है एक कॉफ़ी का, उसको रोकने के लिए। इसके अलावा बात करें कॉटन सीड्स के, कॉटन के सीड नहीं मंगवा सकते। किसके लिए, कॉटन बोल वीविल को रोकने के लिए, यानी कि ये डर रहता है कि कॉटन सीड के साथ कॉटन बेल वीविल का, बॉल वीविल का अटैक ना आ जाए। इसके अलावा क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, यानी कि जो मिर्च है, मिर्ची या फिर कार्डमम इलायची जो है, ठीक है, एंड टैमरिंड, इनके ऊपर क्या है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यानी कि इनको हम क्या है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी इंडिया से, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे पेस्ट है जो सिर्फ हमारी कंट्री में है, अदर कंट्रीज़ में नहीं है, तो इनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पे क्या है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। फिर है DPPQS, अभी जो मैं आपको बता रहा था DPPQS, इसका ध्यान रखना भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार और यही लिखा हुआ आएगा DPPQS, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये कहाँ पे है ये पूछ सकते हैं, या फिर ईयर पूछ सकते हैं, एक फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है इसका फिल इन द ब्लैंक्स में। इन 1946, ठीक है, 1946 के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया था। किसके लिए, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी कॉमोडिटी है उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, ठीक है, उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसकी जाँच के लिए बनाया गया था 1946 के अंदर। ये अभी क्या है, ये फरीदाबाद में है। अगर बात करें कि ये है कहाँ पे, तो ध्यान रखना ये है फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर अभी ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये इंस्पेक्शन करता है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का, हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आयात निर्यात कर रहे हैं। 1914 में मैंने आपको बताया एक एक्ट आया था डिपा, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। पहले वो अदर जो है अभी रेगुलेशन या फिर जो कुछ कानून या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ थी उनके द्वारा चलाया जाता था, लेकिन बाद में इसको शामिल कर दिया गया इसके अंदर DPPQS के अंदर, ठीक है, अब वो इसका पार्ट है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन, अब सेकंड जो है वो क्या है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। अभी हमने पढ़ा था फॉरेन क्वारंटाइन, यानी कि दूसरे देशों से, अब डोमेस्टिक क्वारंटाइन में क्या है, विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है, यानी कि अब इसकी डेफिनेशन आ जाए तो सिर्फ ये मत लिखना, जो आपको क्वारंटाइन की डेफिनेशन बताई है लिखना वही है, लेकिन उसमें ऐड क्या करना है, विद इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि देश के अंदर ही, ठीक है, इसमें जो है विदेशी को शामिल नहीं करते, एक अपने देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर किसी प्लांट जो है मटेरियल को जाने से रोकना या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को उसको नियंत्रण करना, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। अब ये किस किस के लिए किया गया है, तो देखिए फ्लटर्ड स्केल, ठीक है, एक फ्लटर्ड स्केल जो इंसेक्ट है आइसीरिया प्रचेसी, ठीक है, आइसीरिया प्रचेसी, तो इसके लिए क्या है ये किया गया है कि नोटिस किया गया था इसको नीलगिरी एंड जो है कोडिकेनाल इन 1943 में, ठीक है, इन वेटल ट्रीज़ के अंदर आइसीरिया प्रचेसी जो है इसको नोटिस किया गया था, नीलगिरी जो हिल्स है या फिर बात करें जो कोडिकेनाल है इनमें, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। अब क्या है, क्वारंटाइन स्टेशन बनाए गए फिर इसके लिए कहाँ पे, एक तो मेट्टुप्लाइन में, ठीक है, एंड गुडालूर ऑफ नीलगिरीज, यानी नीलगिरीज की जो मेट्टुप्लाइन और गुडालूर जो जगह है वहाँ पे, एंड सैन बैगनोर फॉर क्वारंटाइन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फ्लटर्ड स्केल इन तमिलनाडु, यानी कि ये जो स्केल है इसको तमिलनाडु के अंदर आगे फैलने से रोकने के लिए क्या है कि सहन बैगनोर में और कोडाई कैनाल में क्या है स्टेशंस बनाए गए हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं या प्रिवेंशन का ध्यान रखते हैं कि ये तमिलनाडु में है वो यहाँ से या फिर इन जगहों से अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ना फैल सके, ठीक है, ये पेस्ट ये हो गया। फिर है प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ, और क्या चीज़ है, प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ बनाना फ्रॉम पलानी हिल्स एंड पलानी हिल्स टू प्रिवेंट बंची टॉप,
अब जो बनाना का बंचीटोप डिजीज़ जो है उसको आगे फैलने के लिए, ये कहाँ पे है, जो पलानी हिल्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसको यहाँ से फैलने से रोकने के लिए या दूसरी जगह पे ना पहुँचे, या यहाँ के जो भी बनानास वगैरह इनका एक्सपोर्ट है, जो सीड दूसरी जगह पे ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट किया जाता है, इसके लिए वहाँ पे स्टेशन बनाया गया है। तो ये हो गया डोमेस्टिक क्वारंटाइन, यानी कि विद इन कंट्री के अंदर, ठीक है। फिर है लेजिस्लेशन टू टेक अप इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड इस्टेब्लिश्ड पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट पहले से है अपनी कंट्री में पहले से है, अब उनको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है कहाँ पे, आगे फैलने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मेजर्स बनाए गए हैं, यानी कि कुछ पैमाने डिसाइड किए गए हैं, यानी कि आपको कुछ रूल बनाए गए हैं कि आपको फार्मर लेवल पे ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब वो क्या क्या है, एग्जांपल बता देता हूँ पहले किस किस के लिए। कॉटन स्टेम वीविल के लिए, ग्राउंडनट का जो रेड हेरी कैटरपिलर है RHC, कॉफ़ी स्टेम बोरर जो है, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर है, या फिर शुगरकेन का टॉप बोरर है, इनके लिए। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनके लिए क्या क्या मेजर्स रखे गए हैं, पैमाने, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेम वील ऑफ कॉटन की, ठीक है, स्टेम वील ऑफ कॉटन की। तो ये क्या है, कंबोडिया कॉटन एक्ट बना था 1913 में, उसके थ्रू है। क्या है, इसमें बताया गया था कि प्रीवियस क्रॉप जो है कॉटन की, उसको हमें क्या है, रिमूव करना है 1 अगस्त से पहले पहले, यानी कि आपको 1 अगस्त से पहले 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 की जो क्रॉप है कॉटन की वो हार्वेस्ट हो जानी चाहिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्रॉप टू बी सोन नॉट बिफोर September 1, यानी कि 1 सितंबर से पहले हम क्या है नेक्स्ट क्रॉप जो है उसको सोन नहीं कर सकते। कहने का मतलब हार्वेस्ट और सोन के बीच में कम से कम 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। टू कीप लैंड फ्री ऑफ कॉटन फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए जो भूमि है उसको कॉटन फ्री रखने के लिए, यानी कि वहाँ पे कॉटन की खेती ना हो, इसलिए क्या है ये किया जाता है। तो ये हो गया स्टेम वीविल के लिए। अब बात करेंगे ग्राउंडनट के जो रेड हेरी कैटरपिलर है RHC, उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए है कि आपको कलेक्शन ऑफ प्यूपा इन समर प्लोइंग, यानी कि समर प्लोइंग जब करते हैं तो हमें क्या है प्यूपा जो होते हैं इसके प्यूपल स्टेज उसको कलेक्शन करना है। फिर है पुटिंग लाइट ट्रैप्स, यानी कि फील्ड के अंदर लाइट ट्रैप्स लगाने हैं ताकि इसके एडल्ट्स को पकड़ सकें। फिर है हैंड पिकिंग ऑफ एग्स एंड लार्वी, इसके जो लार्वा या एग्स होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं, तो हमें क्या है उनको हाथ से क्या है उठा के उनको नष्ट करना होता है, ठीक है। स्प्रेड लीव्स इन फील्ड, यानी कि फील्ड के अंदर जो भी लीव्स फैली हुई है बिखरी हुई है उनको क्या है कलेक्ट करना है, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय उसको क्या है ख़त्म करना है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे स्टेम बोरर ऑफ कॉफ़ी, तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहली बात तो ये क्या है, ये जो एक्ट है ये अभी भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी चालू है। दिस एक्ट इज स्टिल इन्फोर्स, यानी कि अभी भी है इन्फोर्स, कहाँ पे, सेलेम, कोयम्बटूर, मदुराई एंड नीलगिरी, ये जगह जो है तमिलनाडु की, वहाँ पे क्या अभी भी ये एक्ट जो है वो यानी कि इसको ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे एक्ट अभी भी लागू है। इसके लिए इसके थ्रू क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि ऑल इन्फेस्टेड प्लांट्स, जितने भी इन्फेस्टेड प्लांट्स हैं टू बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले जितने भी इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ये वहाँ पे कानून बनाया गया है। फिर है स्वेबिंग विद वेटेबल पाउडर, यानी कि जो कार्बेरिल जो पाउडर है उससे क्या है वहाँ पे उसका बुरकाव करना पड़ता है, कहाँ पे, स्टेम एंड ब्रांचेस पे, ये भी क्या है वहाँ पे अभी भी कानून लागू है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, आपकी लीगल कंट्रोल के अंदर, यानी कि लीगल कंट्रोल में क्या क्या आता है, आपको ये क्या है पूछा जा सकता है लीगल कंट्रोल का, तो उसमें आपको क्या लिखना है, एक तो डेफिनेशन क्या होती है लेजिस्लेशन की, ठीक है, उसके बाद क्वारंटाइन क्या होता है, प्लांट क्वारंटाइन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन क्वारंटाइन हो गया तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको उसके एग्जांपल लिखने हैं। फिर अगर बात करें कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या है तो उसके बारे में बताना है और फिर उसके एग्जांपल लिखने हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक कम्प्लीट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम नेक्स्ट किसी जो है IPM के अंदर जो भी टूल्स आते हैं उसको लेके आएंगे, तो इसको पढ़ लेना अभी अच्छे से। ओके, थैंक यू।